हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चनों का सीरीज है, जिसका यह 51वां वीडियो है। डेली बेसिस पे आप अपना स्कोर चेक कीजिए। जिस भी टॉपिक में आप कमजोर हैं, उस टॉपिक को पहचानिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसकी कमियों को दूर कीजिए। क्योंकि अभी वक्त है, वक्त बीत जाने पर आप परीक्षा के डेट आने के बाद फटाफट तैयारी करते हैं तो पूरा कन्फ्यूजन में चला जाता है। इसलिए भले ही आप कम ही घंटा पढ़ाई कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए और अपने कमियों को ढूंढते रहिए। जितना प्रैक्टिस लगाएंगे, जितना कमियों को ढूंढेंगे, उतना ही आप बेहतर होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आपको परफेक्ट बना सकता है। तो डेली बेसिस अभ्यास कीजिए, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एमवीएस हो, सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एंड मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीजें अवेलेबल है। दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी को चेकआउट कीजिए अगर नए हैं तो, एंड पुराने जितने भी हैं वो सब तो जानते ही हैं। और डेली बेसिस मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ, इस प्रैक्टिस को छोड़िए मत, डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल व ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप सभी लोग रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलाड़ी के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए और प्रदर्शन की रचना का निर्माण करते हुए कार्यक्रम की योजना को तैयार करना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर तो घ दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर लग रहा है क्रमबद्ध और स्पष्टता का सिद्धांत। आप इसको चेकआउट कीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया था एमपी टेट में, तो और एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण के विकास के दृष्टिकोण से निर्मित हो और योजना इसी के अनुसार तैयार की जाए, यह कौन सी प्रशिक्षण कहलाती है? तो यह कहलाती है दीर्घकालीन प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन विकास के लिए सामान्य दक्षता के कारक और तकनीकी एवं युक्तिपूर्ण विकास अति आवश्यक है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों, यह सिद्धांत कहलाता है सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। जैसे कि दोस्तों, खेल के सिद्धांतों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि स्पोर्ट्स के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांतों को आप देख लीजिए, स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले वीडियोज में आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों, आप डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे एक रुपया ही पैसा नहीं ले रही हूँ, फ्री में डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। क्योंकि अदर जगह आप जाएंगे तो आपको परचेज करना पड़ेगा, तब आपको कांटेक्ट मिलेगा। अब क्या मिलता है पता है, कुछ ज्यादा बेहतर नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, जल नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो जल नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है सोडियम। नेक्स्ट है, तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सर्वाधिक मदद करता है। तो तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में दोस्तों सर्वाधिक रूप से मदद करता है पोटेशियम, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है। तो इस ऑप्शन में, जैसा कि आप जानते हैं, लाल रक्त कणों का निर्माण, जो है रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसमें कौन रहेगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, तो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है लोहा, आयरन, जिसे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन यानी आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को लेकर के समस्त शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कोशिकाओं में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा जो भोजन पोषक तत्व अवशोषण हुआ रहता है उसका ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है, और वही एटीपी जहां जहां हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां वहां स्थानांतरित करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह ऊर्जा बनाता है ऑक्सीजन का उपयोग करके, समझ लीजिए। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था, यानी कि प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम के अभाव में निम्न रोग हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां पे आप देखेंगे रिकेट्स जो है वह सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, अब बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से, क्वासी उड़कर और मरासमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। बचा कौन दोस्तों? अगर आपको तीन ऑप्शन आ रहा है, चौथा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके आप आंसर को ढूंढ सकते हैं, जो आ रहा है उसको चिन्ह कर लीजिए, फिर जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस जो है हमारे हड्डियों दांतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है, तो कैल्शियम नहीं रहेगा तो कौन सा रोग होगा? हड्डी से संबंधित तो रोग होगा ऑस्टियोमलेशिया। क्या है? हड्डी मृदुलता होती है, हड्डी मृदुल हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय एक मिनट में कितना धड़कता है? तो आप सबको पता है एक मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक। और हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति में सोडियम की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो 120 ग्राम होती है। ये सब याद करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसकी कमी से शरीर का निश्चित अम्लीय क्षारीय माध्यम में संतुलन नहीं रह पाता? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सभी शरीर का निश्चित अम्लीय क्षारीय में संतुलन बनाता है, इसकी कमी से ये संतुलन नहीं रह पाता। नेक्स्ट है मानव शरीर में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा निम्न जगह पर पाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है, जो हमारे गले में होती है, एंड थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्थापित होता है, तो सर्वाधिक मात्रा यहीं पे पाई जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो वो है दोस्तों पीटी उषा, जिसे उड़न परी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है 1996 की अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? जैसा कि आप कई वीडियो में मेरे देख चुके हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी थे टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस, टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी है, तो दोस्तों वो है कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में। इन्होंने ये जो है किसी भी स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला
बनी, यानी ओलंपिक में भारत की तरफ से महिलाओं में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में 2000 के सिडनी ओलंपिक में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर किसे कहते हैं, तो मानक को स्टैंडर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट है अगर किसी एकांश का कठिनता स्तर 90% है तो इसका मतलब यह हुआ कि एकांश काफी आसान है। नेक्स्ट है विभेदन सूचक यानी रिजोल्यूशन इंडिकेटर ज्ञात करने का उत्तम तरीका है, तो यह है संगतता गुणांक। नेक्स्ट है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को किस श्रेणी में रखा गया है, तो दोस्तों इंटरव्यू को परीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन के रूप में किस श्रेणी में रखा गया है। एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर को जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको परीक्षण यानी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक दूरी को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास किसने किया था, तो इसको किया था बोगार्डस ने। किसने किया था? बोगार्डस ने सामाजिक दूरी को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास किया था बोगार्डस ने। नेक्स्ट है लिकर्ट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापनी में एकांशों की संख्या लगभग होती है, तो 20 से 25 होती है। नेक्स्ट है वैयक्तिक परीक्षण का स्वरूप अधिकतर कैसा होता है, तो अधिकतर वैयक्तिक परीक्षण का जो स्वरूप होता है क्रियात्मक व मौखिक दोनों ही प्रकार का होता है। नेक्स्ट है तीसरे वर्ग के लिए तैयार अंकगणित का परीक्षण 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक गति परीक्षण का काम करेगा। किसका काम करेगा? गति परीक्षण का। नेक्स्ट है शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है, जैसा कि आप सबको पता है हृदय। नेक्स्ट है डिडास्केलियम किसका स्थान था, तो दोस्तों डिडास्केलियम संगीत के लिए प्रसिद्ध है एथेंस काल में। नेक्स्ट रोम में लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो रोम में लड़कों को प्रशिक्षण उनके पिता के द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट है प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या था, तो दोस्तों सैनिकों की प्रशिक्षण देने का एक स्थान था, सैन्य स्थल था। प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या था? सैन्य स्थल था। नेक्स्ट है रोम के लोगों का प्रिय मनोरंजन था, तो रोम के लोगों का प्रिय मनोरंजन था ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, लोगों के मनोरंजनार्थ किसी पेशेवर मल का अन्य व्यक्ति या पशु से युद्ध कराया जाता था। सांड युद्ध ज्यादा प्रसिद्ध था मनोरंजन के लिए वहां रोम के लोगों में। नेक्स्ट है प्राचीन रोम में कॉलेजियम किस लिए प्रसिद्ध था, तो दोस्तों प्राचीन रोम में कॉलेजियम जो है इसको आपको देखना पड़ेगा दोस्तों,
सारे शिक्षा के इतिहास में जा करके यहाँ पे घुड़दौड़, जूडो, तैराकी तीनों नहीं होगा। तो इस दिए हुए अवसर में आपका ग ही हो जाएगा। कलेजियम जो है लोगों के मनोरंजनार्थ किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या पशु से होने वाले मल्ल युद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑन इनमें कौन ओलंपिक छल्लों के रंगों के सही संयोग का द्योतक है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सीरियल वाइज से है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ओलंपिक छल्ले पांच है, पांच रंग के जो डब्लू के अक्षर के समान होते हैं। तो नीला, पीला, काला, हरा, लाल ये पांच छल्ले हैं, जिसमें से नीला यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का प्रतीक है, काला अफ्रीका का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, लाल अमेरिका का प्रतीक है। ये पांचों महाद्वीप के प्रतीक हैं जो दुनिया को एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए? दोस्तों तो छठी और बारहवीं तेरहवीं जो ओलंपिक था वह विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। 1916, 1940, 1944 ये तीन ओलंपिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए। तो यहां ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1940 का नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल कूद में ओलंपिक ध्वज का उपयोग पहली बार किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक ध्वज को 1913 में बैरन पीएरडी कुबर्टिन ने बनाया और सबसे पहले इसको फहराया गया 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। नेक्स्ट है, स्ट्रेच रिलैक्स प्रायः बहुमितिक यानी कि प्लायोमेट्रिक में किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो दोस्तों यह लागू किया जाता है कूद में यानी कि जंपों में। ठीक है, जितने भी जंप है वो सभी, जैसे प्लायोमेट्रिक में क्या होता है, पहले मांसपेशियां फैलती है फिर सिकुड़ती है, यानी कि एक बेंच होता है। अब बेंच पर से जमीन पर आपको कूदना होता है, जंप करना होता है। तो ये प्लायोमेट्रिक जो है विस्फोटक शक्ति का भाग है। किसका है? विस्फोटक शक्ति का भाग है। नेक्स्ट है, पेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सरकवा तंतु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसको हक्सले ने प्रतिपादित किया 1954 में। दोस्तों इन्होंने ही बताया कि मांसपेशी कैसे कंट्रैक्ट होती है, कौन कौन से फिलामेंट पाए जाते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं हमारे मांसपेशियों में, एक कैसे कंट्रैक्ट होती है मांसपेशी, इसके बारे में, इसकी सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शाखा खेल कूद में नैदानिक शिक्षण और तैयारी में मदद करती है? तो यह है जैव यांत्रिकी विज्ञान यानी कि बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ज्ञात विशिष्ट अंग स्पेसिफिक ऑर्गन है? तो इसमें से आपका राइट हो जाएगा संयोजी उत्तक अंग मर्दन यानी कि कनेक्टिव टिश्यू एक्लिमेटाइजेशन। नेक्स्ट है, वह अंग मर्दन यानी कि मसाज जो व्यायाम संबंधी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बल्कि मुख्य रूप से चिकित्सीय अथवा उपचारी अंग मर्दन मसाज के रूप में काम में लाया जाता है, किस प्रकार का अंग मर्दन यानी कि मसाज है? तो यह है दोस्तों संयोजी उत्तक अंग मर्दन, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है?
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। तो इस चारों ऑप्शन में से ग या घ आपका राइट होगा। तो यहाँ पे ग राइट दिया हुआ है, बट 250 से 300 आपका राइट होता है, आप जान लीजिए मनुष्य के हृदय का वजन। तो यहाँ पे राइट दिया है ग 220 से 260, बट आपका राइट होना चाहिए 300 ग्राम, ठीक है, 250 से 300 ग्राम होता है। तो लोएस्ट वाला इसे माना है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है एरोटा, यानी कि महाधमनी। यहीं से बहुत सारे शाखाएं निकलती हैं, जिससे समस्त शरीर में रक्त पहुंचाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है। तो हृदय को रक्त आपूर्ति जो है वो कोरोनरी धमनी करती है। जैसे जो एरोटा होता है महाधमनी, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते रक्त महाधमनी में जाता है, और महाधमनी की प्रथम शाखा जो है कोरोनरी धमनी होती है, जो हृदय में ही जाती है और हृदय को ही रक्त सप्लाई करती है। हृदय के मसल्स को, कोशिकाओं को रक्त की आपूर्ति करती है कौन? कोरोनरी धमनी। उसके बाद और शाखाएं हमारे कैरोटिड धमनी जाती है, हमारे सिर गर्दन को पहुंचाती है। फिर क्लेविकल धमनी जाती है, हमारे कंधों हाथों को पहुंचाती है। इसी प्रकार और फिर नीचे पैरों की तरफ जाती है। इस प्रकार महाधमनी के कई शाखाएं हो जाती है। सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी एरोटा। नेक्स्ट, हृदय की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो हृदय तीन परतों से मिलकर बना होता है, तीन मांसपेशियों से बनकर, मांसपेशियों की परत से, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत होती है, इसको एपिकार्डियम भी बोला जाता है। इसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि को कोर संधि भी कहते हैं। अब आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। कब्जा संधि या कोर संधि क्या होता है कि वो एक ही तरफ मूवमेंट कर सकती है। जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, उस तरह एक अक्ष में ही ओनली गति कर सकती है। तो यहाँ पे इसका कोर संधि का उदाहरण आपका एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड उंगलियों का ज्वाइंट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, कोहनी संधि यानी कि एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका नितंब संधि जो होगा हिप ज्वाइंट, ये बॉल एंड साकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चक्र के विमोचन के समय क्या होगा? चक्र के विमोचन के समय अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक होता है। दोस्तों अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीपेटल बल एंड सेंट्रीफ्यूगल बल दो होता है। तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल अभिकेंद्री बल यानी कि केंद्र की तरफ बल लगता है, और अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल बल, यह बल जो है केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। तो चक्र के विमोचन यानी कि बाहर छोड़ते समय डिस्कस थ्रो को जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्री बल ज्यादा लगेगा अभिकेंद्री बल से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टर्नम यानी उरोस्थि कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है यह छाती पे स्थित है। इसी स्टर्नम यानी उरोस्थि से दोनों तरफ 12 12 पसलियां यानी रिप्स जुड़ी होती हैं, यानी कुल पसलियां होती हैं 24। कितनी जोड़े पूछेगा? तो 12 जोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड साकेट ज्वाइंट है? तो दोस्तों बॉल एंड साकेट ज्वाइंट का बेस्ट एग्जांपल है शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट भी है एंड हिप ज्वाइंट भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग दोनों राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अपर वाटर यानी कि एब्डक्शन के बहु बाहु हिलती डुलती है। तो दोस्तों एब्डक्शन एडक्शन, एब्डक्शन जो होता है वह शरीर से दूर जाता है हमारा जो हाथ सीधा कंधे के लेवल पर, और एडक्शन क्या होता है शरीर के नजदीक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्डक्शन है यानी कि शरीर से दूर आपका जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तोलक में बल जो है भार और आलंब के बीच में होता है। राइट आंसर आप दे दिए होंगे, इसमें आप गलती मत कीजिएगा क्योंकि बार बार मैं इसका एग्जांपल आपको बताई हूं। क्या बताई हूं, एफ ए आर 312। तो एक के नीचे एक, किसके नीचे है, ए के नीचे, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस की। दो के ऊपर क्या है, आर, यानी कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के। और तीन के, तीन किसके नीचे है, एफ के, यानी कि जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें फोर्स यानी बल होता है बीच में, फोर्स यानी बल बीच में होता है भार यानी कि रेसिस्टेंस और एक्सिस के। तो यहां पे क्या पूछा है, बल भार और आलंब के बीच में है, यानी कि फोर्स जो है भार और आलंब के बीच में है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। कौन सा प्रकार का, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट है श्लेष्मक संधि यानी साइनोवियल ज्वाइंट है। तो साइनोवियल ज्वाइंट चल संधि को कहते हैं, जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट भी बोला जाता है एंड डायर्थ्रोसिस भी बोला जाता है। तो यहां पर राइट हो जाएगा ख, स्वच्छंद रूप से जंगम यानी कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। जैसा कि दोस्तों ज्वाइंट से क्वेश्चंस भर भर के पूछा गया था एमपी टेट में, और बहुत ही अंदर से पूछा गया था। ये थोड़ी पूछा गया था कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, आपको पूरा ज्ञात करना पड़ेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है इसको भी आपको याद रखना है, तभी आपका काम चलेगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो ज्वाइंट्स तीन प्रकार के होते हैं, ज्वाइंट्स तीन प्रकार के होते हैं, चल अचल और अधचल संधि, चल अचल और अधचल संधि। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा ज्वाइंट्स वाले, इस क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ज्वाइंट्स जो है तीन प्रकार के होते हैं, अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट भी बोलते हैं, ये पूछा गया था दोस्तों, एंड अधचल संधि को कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी बोलते हैं, और चल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट्स भी बोलते हैं, एंड तीनों को और नामों से पुकारा जाता है, जैसे अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस एंड इमूवेबल ज्वाइंट बोला जाता है, और अर्धचल संधि को सिफली मूवेबल, कार्टिलेजियस, एम्फियार्थोसिस ज्वाइंट भी बोला जाता है, एंड चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट बोला जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तंतुमय यानी फाइबर्स ज्वाइंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमपी टेट में, आप याद कीजिए। तो फाइबर्स ज्वाइंट कौन है दोस्तों, खोपड़ी की संधियों को, ठीक है, अचल संधि को बोला जाता है फाइबर्स ज्वाइंट, खोपड़ी की संधि यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है दाब यानी स्ट्रेस की स्थिति कैसी होती है। स्ट्रेस आपके ऊपर होगा तो आप की स्थिति कैसी होगी, तो स्ट्रेस हमेशा कार्य निष्पादन के लिए हानि ही कर सकती है, ये परफॉर्मेंस को लॉस कर सकती है, इनहेंस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है प्रतियोगिता खेल से संबंध हिंसा का मुख्य कारण है। तो प्रतियोगिता खेल से संबंध हिंसा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो इसका मुख्य कारण है, प्रतियोगिता खेल से संबंध हिंसा का मुख्य कारण है प्रजातीय, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय आधार पर दर्शकों की टीमों के साथ एकात्मकता। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। नेक्स्ट है सीखने में व्यक्तिगत कारक है, तो सीखने में व्यक्तिगत कारक कौन सा है, इसमें
अनुवांशिक कारक भी व्यक्तिगत है, उपयुक्तता भी है, मनोवैज्ञानिक कारक, इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी चीज को मिस मत कीजिए, सभी को ध्यान पूर्वक देखिए। दोस्तों जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों इसी तरह के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।